सर, नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि जिस तरह अभी हंगामा हुआ, छात्र सड़क पर उतरे। देखिए, नियोजन नीति को लेकर के जो हमने सोचा था वो तो सबके सामने था, और उस सोच को शायद हमारे विपक्षों को पचा नहीं और उसको फिर से एक योजनाबद्ध तरीके से कानून के आड़ में इन लोगों ने उसको समाप्त करवाने का एक षड्यंत्र रचा। हर राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए मूलभूत अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए हर प्रयास करती है, और वही प्रयास हमारा था। हमारे लिए और ये कुछ नहीं, और उसका कारण मेरे पास एक 2016 का विज्ञापन का कटिंग है, जहां हमारे सामान्य वर्ग के रास्ते 75% हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हिस्सा, दूसरे राज्य के लोग कब्जा कर ले रहे थे। आदिवासी, दलित, पिछड़ा आरक्षण से कवर्ड है, इनको किसी तरीके का कोई असुरक्षा का ये नहीं है, विषय नहीं है, वो सुरक्षित है। लेकिन छोटा एक हिस्सा है जहां हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हक अधिकार की बात थी, लेकिन इस निर्णय से भी हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, और नदी की जो राह है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कोई टाइम फ्रेम सर, कोई टाइम फ्रेम है? कोई सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रहे हैं या कोई वो कानूनन आकलन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम क्योंकि मैं जानता हूं कई जगह विपक्ष लोग इसी तरीके से घात लगा के बैठे हैं, और कैसे इनको हम रोकें, इसीलिए अभी हमने इस निर्णय को तो 9वीं अनुसूची में डालकर विधानसभा से बिल पारित कर भारत सरकार को भेजा है, और ऐसे षड्यंत्रकारियों को ही जवाब देने के लिए ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। तो फिर ये जो इस तरीके के जो षड्यंत्र रचते हैं लोग, उसमें यह सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन 9वीं अनुसूची आप भी जानते हैं कि आसानी से शामिल होने लगे, तो क्या इसको पॉलिटिकल स्टंट माना जाना चाहिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, आखिर कारण क्या है नहीं मानने का? नहीं मतलब उनकी आड़ में आपको बार बार प्रहार करने का मौका मिलेगा, क्यों 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 ये निर्णय नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी जो है, अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो वही समझ लीजिए।